सब्सक्राइब करें हमारे चैनल शेप अप योर लाइफ को और बेल आइकन क्लिक करें नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। Hello and welcome back to my channel Shape Up Your Life. So today I'm going to share with you my fitness care routine. तो वर्कआउट प्लानिंग जो है वो मेरी वीकली या डेली मेरे टाइम के हिसाब से होती है, जिस हिसाब से मेरे को टाइम मिले उस हिसाब से मैं प्लानिंग कर लेती हूँ। तो सुबह फ्रेश होने के बाद सबसे पहला काम होता है किचन में जाके अपने लिए लेमन वाटर बनाना। तो एक तरह से ये मेरे लिए तो एनर्जी ड्रिंक ही है, चाहे सर्दी हो या गर्मी, मुझे नींबू पानी सुबह चाहिए ही चाहिए। तो लेमन के साथ साथ मैं ऐड करती हूँ दालचीनी पाउडर और साथ ही इसमें एलोवेरा जेल का एक पीस डालती हूँ जिसको मैंने फ्रीज किया होता है फ्रीज़र में आइस ट्रे में। तो सबसे पहले मैं लेमन वाटर लेती हूँ। सुबह का आधा घंटा देती हूँ अपने आप को खुली हवा में। तो खुली हवा लेने के लिए चली जाती हूँ छत पे और यहाँ पे जाके करती हूँ पहले कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ताकि अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सकूँ पूरे दिन के काम के लिए। स्ट्रेचिंग करने के बाद थोड़ी देर करती हूँ मैं प्राणायाम, क्योंकि एवरेज ह्यूमन लंग्स की कैपेसिटी 6 लीटर ऑफ एयर कंज्यूम करने की होती है, लेकिन हम उससे कहीं कम कंज्यूम करते हैं क्योंकि हम डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं। तो प्राणायाम हमारी बॉडी की 72,000 नर्व्स को क्लीन करने में हेल्प करता है। उसके बाद थोड़ी देर करती हूँ मैं मेडिटेशन, क्योंकि लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके सोल्यूशन हमारे पास नहीं होते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस पावर हमेशा हमारे ही पास होती है जो मेडिटेशन करने से ही आती है। सो ट्राई टू इम्प्रूव योर इनर स्ट्रेंथ। तो इसके बाद साथ ही टाइम हो जाता है बेटे के स्कूल जाने का, तो बस किचन में आके फटाफट उसका लंच पैक करना होता है और साथ ही उसे ब्रेकफास्ट देना है। While he is having his breakfast, I am having my first meal banana. तो बेटे को स्कूल भेजने के बाद मुझे कोई जल्दी नहीं होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन हैं, वो ऑफिस लेट ही जाते हैं, तो मुझे कोई जल्दी नहीं होती कोई और काम ख़त्म करने की। तो पहले मैं अपना वर्कआउट फिनिश कर लेती हूँ। मोस्टली कोशिश यही होती है कि अंदर ही अपना वर्कआउट करूँ, क्योंकि इस टाइम धूप निकल आती है बाहर, लेकिन कई बार मौसम अच्छा हो तो फिर बाहर ही करना पसंद करती हूँ, क्योंकि खुली हवा में जो मज़ा आता है वो अंदर बंद कमरों में नहीं आता। तो आफ्टर वर्कआउट आई टेक माई बाथ। तो कई बार तो बिना नहाए भी मुझे अपना ब्रेकफास्ट करना पड़ता है जब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी होती है, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि नहाने के बाद ही ब्रेकफास्ट करूँ। तो आज बना रही हूँ जो ब्रेकफास्ट, उसमें बहुत सारी वेजेस डाल रही हूँ क्योंकि स्क्रैम्बल एग बना रही हूँ। तो उसमें ये मेरे फ्रोज़न पीस हैं जो मैंने हमेशा फ्रीज़र में रखे होते हैं। तो साथ ही में मैंने गाजर डाली है, प्याज डाला है और टमाटो डाले हैं, कैप्सिकम डाली है, पालक के पत्ते मेरे फेवरेट, और साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें एग्स। और ये एक तरफ बन रहे हैं स्क्रैम्बल एग और दूसरी तरफ बन रही है मेरी कॉफी। ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के साथ साथ एंजॉय कर रही हूँ सोनम कपूर की वेडिंग पिक्स,
शी इज़ लुकिंग सो प्रिटी।